खबर गाजीपुर से है, जहां आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना इलाके के मस्तीपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक किशोर बुरी तरह झुलस गया, जिसका इलाज चल रहा है। मस्तीपुर गांव का 13 साल का मुकेश, सरोज और सागर, 15 साल का अभिषेक और 10 साल का जितेंद्र मंगई नदी के किनारे पशुओं को लेकर चराने गए थे। अचानक तेज बरसात के साथ आकाशीय बिजली गिरने से सभी बच्चे अचेत होकर खेत में गिर गए। बगल में पास में ही धान की रोपाई कर रही महिलाओं ने शोर मचाया, तब गांव वालों ने सभी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनिया पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मुकेश, सागर और अभिषेक को मृत घोषित कर दिया, जबकि आशीष का इलाज चल रहा है। गाजीपुर से और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार जुड़े हुए हैं। अजय, आकाशीय बिजली गिरने से ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है, पूरा मामला क्या है, कितने इसमें लोगों की मौत हो गई? जी, आपको बता दें कि जनपद गाजीपुर में लगभग कल तेज बारिश थी। इस दौरान काफी तेज हवाओं के साथ बिजली जगह जगह पे गिरी। गाजीपुर के अन्य 3 जगहों पर गिरी, जहां पे लगभग 3 बच्चे जो कि मवेशी चरा रहे थे अपना, और वह बिजली गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। जी, जी, अब जो घायल है उसकी कैसी हालत है? जो घायल अभी उसका जिला अस्पताल में, आपको बता दें कि जो घायल है उसका जिला अस्पताल में अभी फिलहाल इलाज चल रहा है, और डॉक्टर ने बताया कि अभी खतरे से बाहर है फिलहाल। इससे पहले भी अजय क्या यहाँ पर बिजली गिरने की घटना हुई है? जैसे ही बारिश होती है सर, बिजली का होता है, बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और इससे पहले भी हादसे हुए हैं जनपद गाजीपुर में। लगभग भोरकुड़ा थाना क्षेत्र में जो ये घटना हुई है, तो भोरकुड़ा थाना क्षेत्र की एक मामला है। इससे पहले जो है कि जनपद में अन्य जगहों पर भी बिजली गिरी, और वहां पर भी लोगों को मौत का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में